एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग प्रीति। आज मैं आपको एक बेसिक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल है। पिछले दिनों मुझे बहुत हेयर फॉल रहा था, एक्सेस ऑफ हेयर फॉल था। मैं कभी भी अपने हेयर को कॉम नहीं करना चाहती थी, इवन कभी मैं अपने हेयर को टच भी नहीं करना चाहती थी, इतना हेयर फॉल था। जब भी टच करो बहुत सारे हेयर एकदम से गिरने लगते हैं। आप बाल खोल कर लेटती थी तो पिलो पे, बेड पे, हर जगह बाल नज़र आते हैं। तो इस हेयर फॉल से बचने के लिए मैंने एक हेयर ऑयल ट्राई किया था। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं वो आपके घर से ही मिल जाएंगे आपको। लाइक आप कोकोनट हेयर ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को कोकोनट हेयर ऑयल सूट नहीं करता है तो वो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और एल्स आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वान्टिटी में। उस नेक्स्ट आता है आपका कलौंजी सीड्स। कलौंजी सीड्स आपके घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ मेथी दाना। ये तीन इंग्रेडिएंट यूज़ करके एक हेयर ऑयल आप रेडी करेंगे जिससे कि आपका हेयर फॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड आपके जो लॉस ऑफ हेयर का प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है अभी वो सब फिनिश हो जाएगा। सो मैं ये हेयर ऑयल फ्रॉम लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और उससे पहले मुझे बहुत एक्सेस ऑफ हेयर फॉल था। अभी मेरे हेयर फॉल में बहुत आराम मुझे मिला है। चले स्टार्ट करते हैं ये ऑयल बनाना। 3 टेबलस्पून मैंने मेथी दाना लिया है, एंड 3 टेबलस्पून मैंने अनियन सीड, 1 स्मॉल बोल मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। अब मैं इन दोनों का पेस्ट बनाकर आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ। मेथी दाना जो है वो हेल्पफुल है टू फाइट यू अगेंस्ट हेयर फॉल एंड डैंड्रफ। बॉल्ड ड्राइनेस एंड बॉल्डनेस जैसी प्रॉब्लम से ये लड़ता है, एंड इसके काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। आपके बालों को शाइनी बनाता है, साथ ही साथ इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। स्कैल्प में कोई भी डिजीज़ होती है तो इसको यूज़ करने से वो डिजीज़ का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा रिच होता है एसेंशियल ऑयल में, एंड आपके बालों को बहुत नरिश करता है, और इसको यूज़ करने की वजह से आपके बालों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। इसको हम कलौंजी भी कहते हैं। मैंने ये इसका पाउडर बना लिया है। ये मेरा कलौंजी पाउडर है, एंड ये मेरा मेथी दाना पाउडर है। पैन मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं पैन में सबसे पहले कोकोनट ऑयल डालूँगी। कोकोनट ऑयल डालने के बाद अब मैं पैन में कलौंजी पाउडर डाल दूँगी, एंड आप देखेंगे कि मेरा ऑयल बॉईल होने लगा है। और अब मैं इसमें मेथी दाना पाउडर ऐड कर दूँगी, और मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। अब ये पकने लगा है, मैं आप 20 मिनट्स के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ट्वेंटी मिनट्स हो चुके हैं मेरे ऑयल को पकने में। ऑयल का कलर एकदम चेंज हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और अब इस ऑयल को स्ट्रेन करेंगे। ये ऑयल ऐसे मेरा रेडी है। हल्का हल्का नीचे ब्लैक ब्लैक बचता है। अगर आप चाहें तो इसे एक और बार छान सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही रहने दें, वो नीचे बैठ जाएगा। ये मेरा ऑयल अगले 2 हफ्तों के लिए रेडी हो चुका है। आपने देख लिया कि ये हेयर ऑयल बनाना कितना इजी है। इसको मैंने डायरेक्ट पैन में ऑयल एंड मेथी दाना पुट करके एंड कलौंजी सीड पुट करके बनाया है। आप इसको डबल लेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप एक बोल लेंगे, बोल में आप मेथी दाना, कलौंजी सीड एंड हेयर ऑयल आप उसमें डाल दीजिए, और जैसे ही आप उसको डालेंगे तो आप एक पर्टिकुलर पैन, जैसे मैंने रखा था वैसे ही पैन रखकर उसके अंदर पानी डालकर और वो बोल को प्लेस कर देना है। तो इसमें आपका जो हीटिंग है वो तेल डायरेक्ट नहीं पकेगा, तो इस डायरेक्ट तेल आपका डायरेक्ट नहीं पकेगा। और आपका जो तेल कैसे पकेगा, पहले पानी बॉयल होगा, पानी बॉयल होने से बर्तन आपका जो भी रखते हैं वो गर्म होने लगेगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें अराउंड ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है। मैंने ये प्रोसीजर फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, वो मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगा, इसीलिए मैंने सेकेंड टाइम में आज वाला मेथड यूज़ किया है, एंड ये मुझे अच्छा लगा था। और ये मेरा 3rd टाइम है जो भी मैंने ऑयल बनाया है। ये ऑयल मैं बेसिकली 2 या 3 वीक्स के लिए बनाती हूँ। आप इस ऑयल को अप्लाई करें 2 बार, एंड अगर आप ज़्यादा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 बार इसको अप्लाई करें, एंड
मिनिमम 2 आवर्स एंड मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए आप इसको हेयर ऑयल को अपने हेयर में रखें। एंड इसके बाद आप अपने रेगुलर शैम्पू या कंडीशनिंग जो भी आप करते हैं वो आप करें, आपको इससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एंड आपको उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू।